गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हैव ए स्वीट डे। आज हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों से आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी, सो सोचा कि आपको मैथ्स की ज़रूरत होगी, तो आज हम मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मुझे पता है कि 1.31 पेज नंबर तक हमारा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम पढ़ाई करेंगे पेज नंबर 1.32 की। 1.32 पेज नंबर पर उसने हमें दिया है अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करके हमें बड़े नंबर तक जाना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। सो इसमें पहला नंबर दिया है 37, 92, 65 और 42। अब हमने इन चारों नंबर्स को देखा और हमें ये जमाना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सबसे छोटे नंबर से। इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है? 37। उसके बाद फिर क्या आएगा? 42। उसके बाद फिर क्या आएगा? 65। उसके बाद फिर क्या आएगा? 92। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 15, 29, 69, 52। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर, इसका असेंडिंग सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 15। 15 के बाद क्या है? 29। 29 के बाद क्या है? 52। 52 के बाद क्या है? 69। इस तरीके से पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। और एक और करते हैं इसका क्वेश्चंस, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है 29, 75, 48, 96, 39। अब इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में? 39। फिर उससे बड़ा नंबर 48, फिर उससे बड़ा नंबर 75, फिर सबसे बड़ा नंबर 96। एक पार्ट इसका और ले लेते हैं, 29, 36, 26, 80। इनको हमें जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे हम? सबसे छोटा नंबर इनमें क्या है? 18। फिर उससे बड़ा क्या है? 26। फिर उससे बड़ा क्या है? 29। और सबसे बड़ा क्या है? 36। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं, पेज नंबर 1.32 के जो बचे हुए पार्ट हैं हमारे, हमें उन पार्ट्स को घर पे करके देखना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप अपने स्कूल ग्रुप में मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। हैव ए स्वीट डे। बाय बाय।